हेलो एवरीवन, सो वी विल स्टार्ट विद एंशिएंट इंडिया। पहला लेक्चर एंशिएंट इंडिया पे है। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, हम पहले अपनी स्टडी के हिसाब से उस सब्जेक्ट को कैटेगराइज करते हैं। तो एंशिएंट इंडिया का कैटेगराइजेशन कैसे होगा? एंशिएंट इंडिया का कैटेगराइजेशन होगा, हिस्ट्री को जब हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्री हिस्टोरिक, उसके बाद आएगा प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद आएगा हिस्टोरिक। जो हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे वो प्री और प्रोटो हिस्टोरिक होगा। प्री और प्रोटो हिस्टोरिक मतलब प्री हिस्टोरिक, इसके अंदर जो पार्ट्स आएंगे वो होंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पहले हम प्री हिस्टोरिक की बात करेंगे। प्री हिस्टोरिक हिंदी में प्रागैतिहासिक। तो प्री हिस्टोरिक में क्या पढ़ते हैं? पैलियोलिथिक जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, लिथिक मतलब स्टोन, पैलियो मतलब पुराना। जहाँ पे भी पैलियो वर्ड यूज़ होगा, चाहे वो हिस्ट्री के सेंस में हो, चाहे जियोग्राफी के सेंस में हो, चाहे और कोई स्टडी के सेंस में हो, इसका मतलब हमेशा पुराना होता है, एंशंट से जो इसका मतलब होता है। जैसे पैलियो क्लाइमेटिक, तो पैलियो क्लाइमेट मतलब बहुत समय पहले का क्लाइमेट। तो और लिथिक का मतलब स्टोन, मोर और लेस स्टोन। तो पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, उसके बाद नियोलिथिक एज है। अभी मैं इनका इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा मत समझना कि कौन से टर्म्स ये यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पैलियो एक्सप्लेन किया, जैसे मीजो मतलब मिडिल पार्ट, मिडिल एरा, और नियो मतलब इन एरा, इन जो ये सब एजेस चल रहे हैं इनमें सबसे न्यू वाला एज, उसलिए वो न्यू हो गया। सेम ऐसे प्रोटो हिस्टोरिक बात है, जिसमें हम दो डिवीजन करते हैं, चालकोलिथिक और आयरन एज। चालकोलिथिक में फिर दो डिवीजन, पहले प्री हिस्टोरिक कर लेते हैं। पहली जो लिथिक एज है उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको लोअर, मिडिल और अपर बोल जाता है। इनके आगे से पैलियोलिथिक एज आप खुद लगा लीजिएगा, पैलियोलिथिक एज। वैसे इन्हें लिखते ऐसे हैं, लोअर, मिडिल, अपर। तो अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो एक बार मुझे लिखने दीजिए, लोअर। अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो टाइमलाइन ऐसे जाती है, टाइमलाइन कुछ ऐसे फ्लो करती है, और हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे है इसलिए इसे लोअर बोला गया, थोड़ा सा और ऊपर मिडिल, थोड़ा सा और ऊपर अपर, ऐसे करके आगे स्टडीज़ बढ़ती रहती हैं। फिर इसके ऊपर यहाँ पे मीजो आएगा, फिर इसके ऊपर न्यू आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हम टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, और हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टाइम स्केल होता है। अभी हम जिस टाइम स्केल की बात कर रहे हैं वो हिस्ट्री का टाइम स्केल है। ऐसे ही जब आप जियोग्राफी का टाइम स्केल देखोगे तो आपने सुना होगा उसमें जुरासिक, ट्रायसिक, होलोसीन, प्री कैम्बियन, कैम्बियन, ये सब जो एराज, एपोक जो आते हैं वो सब एपोक, एरा, ये फर्दर जियोग्राफी में पढ़ाऊँगा। पर ये मेरे कहने का मतलब है, जो ये आप जो भी आप स्टडीज़ करते हो उस एक स्टडी का एक टाइम स्केल होता है, उस टाइम स्केल के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे, लोअर, मिडिल, अपर, फिर उसके बाद मीजो, उसके बाद नियो। ये पैलियोलिथिक के पार्ट्स हैं। और चूंकि हम प्री हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं तो प्री हिस्टोरिक में मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन रिमेंस ना के बराबर मिलते हैं। ह्यूमन रिमेंस मतलब ह्यूमन बोन्स और ह्यूमन जो स्कल है, स्केलेटन, ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिलेंगे। और जो ह्यूमन स्केलेटन हमें मिलते भी हैं तो वो
3000 साल 3000 BC तक के मिलते हैं, उससे पहले तक, उससे पहले के नहीं मिलते। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हम एंशंट पढ़ रहे तो उसकी टाइम लाइन क्या है, या कि अर्थ को बने में एटलीस्ट 4 बिलियन ईयर्स हो गए और ये प्रोसेस में एंशंट कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमने इसके, जैसे हमने अपने पढ़ने के लिए सहूलियत के लिए प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में बांटा, वैसे ही हम एंशंट के लिए पढ़ने के लिए टाइम स्केल बनाते हैं। टाइम स्केल में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पार्ट है प्री हिस्टोरिक के, और इन सब की अपनी एजम्पशन है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक यही जो होगी। तो अगर पैलियोलिथिक की अगर ब्रॉडर टर्म्स में एज देखी जाए तो कुछ ऐसा है कि 3 लाख BCE से स्टार्ट मानते हैं और एटलीस्ट चलती है टिल 10,000 BCE तक। 10,000 BCE मतलब ये BCE जो ये कैलेंडर वाला स्केल है, इसमें 0, उसके बाद इस तरफ को AD होता है और इस साइड को BC होता है। जैसा आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी तो मैथ्स में लिखते हैं कि -1 -2, सेम ऐसे ही -1 -2 वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है। इसमें डेट्स ऐसे चलती हैं और इसमें डेट्स ऐसे चलती हैं। तो हम अभी 2023 में हैं, इससे पहले 2022, 2021 ऐसे करके डेट इधर को आएगी, यहाँ पर 0 होगी और फिर इसके बाद डेट्स इधर को बढ़ती है। तो अगर यहाँ पर हमने 10,000 BCE बोला है तो इससे पहले की जो हिस्ट्री बात करते हैं हम, 10,000 पहले से की हिस्ट्री से, वो पैलियोलिथिक से। सेम ऐसे ही मेसोलिथिक केस, 4,000 से पहले की हिस्ट्री वो मेसोलिथिक एज होगी और ऑलमोस्ट 1,000 से पहले की हिस्ट्री उसे हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइम स्केल कोई फिक्स नहीं होती, ये टाइम स्केल एक एजम्पशन पे बेस्ड है जो हमें रिमेन्स मिले हैं कार्बन डेटिंग स्केल, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के थ्रू, उनके उस पर बेसिस हमने एक एज्यूम किया कि ये टाइमलाइन रही होगी। अभी आप पूछ सकते हो कि ये कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या हुआ, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक एज निकालने वाली वो सिस्टम बोल सकते हैं, सिंपली एज निकालने वाली सिस्टम, मतलब जैसे आपने पेड़ देखा होगा कोई अगर, तो उसके अंदर से रिंग्स बनी रहती है, सबसे बाहर बार्क, उसके ऐसे करके आप रिंग्स को काउंट करोगे, इन रिंग्स को, तो इन रिंग्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे सपोज कीजिए इस रिंग के बीच में जो गैप होगा, इन दो रिंग्स के बीच में गैप, वो हमेशा इक्वल होगा इन दो रिंग्स के बीच के गैप के। मैं आपको एक मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, तो आप इन रिंग्स के बीच के गैप को काउंट करके बता सकते हैं कि इस ट्री की एज कितनी होगी। तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि अगर कोई हमें रिमेन मिला है ट्री का तो उसकी एज क्या है। फिर कार्बन डेटिंग करके आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग वो गर्ल्स एंड बॉयज वाली डेटिंग है। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि दो एटम यूज होते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12। ये तो ये एटम कुछ नहीं, कार्बन ही है, कार्बन के दूसरे रूप हैं, ये आप फर्दर साइंस में पढ़ोगे। हम इनकी एज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वो जो हमें रिमेन मिला हुआ है, जो हमें जो भी आर्टिफैक्ट मिला हुआ है, जो भी कुछ सैंपल मिला हुआ है पुराना, उसकी एज क्या रहेगी। तो आई होप सबको, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो पैलियोलिथिक में बात करते हैं, पहले जो सबसे फर्स्ट हुआ लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक इस टाइम पे जो इंसान मिलेगा उसको बोलेंगे होमो इरेक्टस। आप बोलोगे ये क्या क्या नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम आपको पता ही होगा ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए हैं, पहले बंदर थे, फिर आदमी बने, चलने वाले बंदर बने, फिर
आज हम इंसान हैं। तो ऐसे जो ह्यूमन का एवोल्यूशन देखते हैं, तो जो लोअर पैलियोलिथिक में जो ह्यूमन था उसे होमो इरेक्टस बोलेंगे। ऐसे मिडिल में भी जो होगा उसे नियंडरथल्स बोलते हैं, और जो अपर पैलियोलिथिक में जो ह्यूमन मिलता है वो हम हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अभी जो ह्यूमन स्पीसी चल रही है उसका इवोल्यूशन वो कब आए प्लैनेट पे? अपर पैलियोलिथिक एज में। ये अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी। अगर मैं जब एजेस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा ह्यूमंस किस टाइम पे पैदे। तो लोअर पैलियोलिथिक की बात चली थी, लोअर पैलियोलिथिक के ह्यूमन को होमो इरेक्टस बोलते हैं, और जो पैलियोलिथिक जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं बार बार, इस पैलियोलिथिक फर्स्ट टूल का जो फाउंड किया था, फर्स्ट टूल जो इंडिया में फाउंड किया था इसका, वो किया था रॉबर्ट ब्रॉसवुड। ये व्यक्ति था जिसने टूल्स फाइंड किए थे पैलियोलिथिक एज के। अब आप बोलोगे कि टूल क्या है? तो जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करते हैं, उनमें आपको ये पीरियड होता है डिफरेंट टाइप के। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी हमें आर्टिफिक्स, जो भी हमें सैंपल मिलते हैं वो सब टूल्स के फॉर्मेट में होंगे, या स्टोन्स के फॉर्मेट में होंगे, या आर्टिफैक्ट्स के फॉर्मेट में होंगे। हमें कोई भी रिटर्न स्क्रिप्चर नहीं मिलता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो पैलियोलिथिक में हमें जो पहला टूल फाइंड किया था इंडिया में वो रॉबर्ट ब्रूसवुड ने किया था, और इसीलिए इस व्यक्ति को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है इन इंडिया। अब आप बोलोगे ये फादर क्या, इन्होंने जन्म दिया था? नहीं, जन्म बेसिकली इस व्यक्ति ने सबसे पहले पता किया था कि इंडिया में भी पैलियोलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं हिस्ट्री के, मतलब उस समय भी इंडिया में इंसान रहते थे। और जो इस आदमी ने टूल खोया था उसका नाम था पल्लावरम हैंडेक्स। अभी आप डिफरेंट टाइप के टूल्स बताऊंगा मैं आपको। अब आर्कियोलॉजी मतलब क्या था? आर्कियोलॉजी मतलब जो पुरानी चीज़ों का, पुराने आर्टिफैक्ट्स का, पुराने हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों का सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें खोजते हैं, सहेजते हैं। पैलियो का मतलब था, मैंने आपको बताया था, पुराना, और लिथिक का मतलब स्टोन। अब इस जो पैलियोलिथिक एज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी खास बात यह है, एक बार एडजस्ट कर, पैलियो की खास बात यह है कि इस समय पर जो एज चल रही थी इसे हम आइस एज बोलते हैं। आइस एज जो आपने अगर मूवी देखी हो तो उसमें जो दिखाया कि ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ अर्थ का पार्ट आइस शीट्स में था, 50-60% आइस शीट्स में कवर था। तो इस समय के इंसान को हमने होमो इरेक्टस बोला, और जैसे बात आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर उस समय का इंसान बर्फ़ में पैदा हुआ हो तो उसमें कैसे कैसे क्वालिटीज हो। और इसी समय के इंसान को हम क्वाडजेड मैन भी कहते हैं। अब क्वाडजेड मैन मतलब, क्वाडजेड
इज़ ए टाइप ऑफ हार्ड रॉक, एक पत्थर है बेसिकली। अब चूँकि इंसान इसका यूज़ करता था टूल्स बनाने के लिए, तो इसलिए हम इसी इंसान को क्वार्ट्ज़ाइट मैन कहते हैं। और अभी हम लोअर पैलियोलिथिक पढ़ लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक में होमो इरेक्टस मिलता है, और इस समय जो टूल्स यूज होंगे उनको आप चॉपर्स बोलोगे, क्लीवर्स। ये आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिकली मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये क्या चीज़ आप अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये अगर कोई पत्थर है, तो अगर इसे बीच में से काट तोड़ दिया जाए, तो जो ये साइड बनेगी बड़ी साइड उसे कोर बोलेंगे, और जो धारदार साइड बनती है उसे फ्लेक बोलेंगे। अब इनसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते। उस समय का इंसान कैसे हंटिंग कर गैदरिंग कर रहा था, तो कैसे मारेगा जानवर को, पत्थर मार के, क्योंकि उस समय टूल्स ऐसे ही है। तो अगर धार वाली साइड पत्थर को, पत्थर की जानवर को लग गई तो वो मर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टूल्स है, उनके यूज़ चलते हमें नाम मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि पत्थर को ऐसे तोड़ दिया जाए, तो पत्थर को ऐसे तोड़ दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड ज़्यादा धारदार है, कौन सी साइड नहीं है। और अगर 3D इमेज देना चाहे तो ऐसे देख लीजिए कि कोई पत्थर है। तो अभी खुद इमेजिन कीजिए कि ये कोई पत्थर है, और अगर ये वाला साइड किसी पर लग गया तो हंटिंग के लिए कुछ भी यूज़ करेगा वो यही वाला साइड यूज़ करेगा, यहीं लगेगा तभी जानवर मरेगा। तो ऐसे ही करके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं। तो इस समय का जो यूज़ करते हैं वो चॉपर और क्लीवर्स यूज़ करते हैं। और जो फेमस साइट्स हैं इस समय की, एक फेमस साइट का नाम आता है सोहन वैली, ये पाकिस्तान में है। और सोहन वैली क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक सोन रिवर की नदी किनारे है, जिसे सोहन भी बोलते हैं और सोन भी बोलते हैं। और एक बहुत फेमस साइट है बेलन वैली, बेलन वैली साइट है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, और भीमबेटका तो आपको पता ही होगा MP में। अब मिडिल पैलियोलिथिक की बात कर लेते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में ऐसा क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक में जो इंसान है उसे बोलेंगे हम नियंडरथल। और कैसे अलग हुआ इस समय का इंसान, अभी आप जब टाइम स्केल में धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। इंसान इसी स्केल में ऐसे ऊपर को डेवलप करते रहता, मतलब धीरे धीरे हमारी वाली स्पीसीज जो प्रेजेंट टाइम पे स्पीसीज चल रही है वो आती रहेगी। तो नियंडरथल थोड़े से और डेवलप होगा, तो ये यूज़ करेगा फ्लेक कल्चर, फ्लेक यूज़ करेगा। फ्लेक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने जो पत्थर बनाया था आपको, ये इमेजिन कीजिए कोई पत्थर है, तो उसका वो साइड जो धार वाली साइड है, जैसे इसमें ये देख सकते हैं, इसको फ्लेक बोलते हैं। तो फ्लेक यूज़ करता था, और उसके टूल्स ना और रिफाइन हो गए। रिफाइन इन द सेंस, पहले थोड़ी कम धार, कम तेज था, अब और तेज हो जाएगा, और थोड़ा सा लाइटर भी हो जाएगा। अब इससे जब स्टोन्स लाइटर होते रहेंगे, रिफाइन होते रहेंगे, तो आदमी की एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी किलिंग की, हंटिंग की, और उसकी स्ट्रेंथ कम यूज़ करेगा। तो एवोल्यूशन के टाइम पे आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके कि कुछ वैलीज तो सेम है, जैसे अगर सोन वैली आएगी तो इसी में दूसरा भी आएगा, मिडिल पैलियोलिथिक वाला इंसान भी आएगा। इसमें एक दो एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, जैसे एक तुंगभद्रा वैली है। तुंगभद्रा अकेली नदी है, इसके किनारे रहने वाले मिलने वाले रिमेन्स को हमने तुंगभद्रा कल्चर का, तुंगभद्रा रिमेन का। सेम ऐसे पोतवार प्लेट्यू, ये भी पाकिस्तान में, बिटवीन इंडस एंड झेलम आता है, नहीं सॉरी पोतवार प्लेट्यू इंडिया में, बिटवीन इंडस एंड झेलम आता है। संघाव केव जो है वो पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली पेशावर।
जो अपर पैलियोलिथिक एज है, अगेन वही, इसमें होमो सेपियंस आगे में अपर पैलियोलिथिक एज, इसमें होमो सेपियंस जो आज वाला इंसान है वो आया, इवॉल्व वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन, और जो आज वाला इंसान आएगा इसी के साथ से जो चीज़ हम देखते हैं, हमें मिलती हैं, वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जैसे पेंटिंग्स स्टार्ट होती है, ब्लेड कल्चर, ब्लेड मतलब वही फ्लेक और ब्लेड, थोड़ी और रिफाइंड स्टोन को ब्लेड बोल दिया गया। और अब मीज़ोलिथिक एज वो वाली एज जो ट्रांजिशन जोन कहेंगे न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक के बीच, ट्रांजिशन जोन का होता है संक्रमण क्षेत्र, मतलब कोई दो एरिया के बीच में जहाँ पर बाउंड्री डिफाइन नहीं होती, ट्रांजिशन जोन है। तो ये मीज़ोलिथिक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन न्यूलिथिक एंड पैलियोलिथिक। और इसी के टाइम से हमें पेंटिंग्स शुरू हुई थी, जो वो और रिफाइंड होती रहती है। और जो ये पहले मीज़ोलिथिक साइट जो खोजी थी वो जॉन इवान ने खोजी थी। अब क्योंकि आदमी थोड़ी और इवॉल्व हो गए तो वो बो एंड एरो भी यूज़ करेगा। अब क्योंकि बो एंड एरो यूज़ करेगा तो इसलिए हमने बो एंड एरो मैन कह रहे थे। अब बड़े बड़े जानवरों का किलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और चूँकि अब आदमी एफिशिएंट हो चुका है तो धीरे धीरे करके सेटल होने लग चुके हैं। सेटल होने से आदमी इवॉल्व हुआ, उसने ज़्यादा शिकार कर लिया, ज़्यादा शिकार किया तो उसे अभी दो तीन दिन शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो यहीं पर रेस्ट करेगा। फिर ऐसे करके धीरे धीरे कॉलोनी बनती रहती है, फिर ये कॉलोनी धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट करेगी, फिर इससे और कॉलोनीज बनती रहेंगी, बड़ी बड़ी कॉलोनीज। और एट द एंड आपको दिखेगा कि एक पूरा शहर बन चुका है जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट है आदमी के सेटलमेंट का, आदमी की स्टेबिलिटी का। इसी समय से डोमेस्टिकेशन, अब जो आदमी रहेगा तो वो डोमेस्टिकेशन करने लगेगा, डोमेस्टिकेशन पालतू जानवर बनने लगेगा। तो इसी एज में डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट होता है, और इसी के बाद से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट। अब चूंकि बो एंड एरो है तो इन टूल्स को हम माइक्रोलिथिक टूल्स कहते हैं। माइक्रोलिथिक मतलब सपोज कीजिए ये कोई पत्थर था जो पहले यूज किया उसने, फिर इसका छोटा वर्जन और थोड़ी और स्पीड पॉइंटेड, फिर इसी पत्थर का उसने और शार्पन वर्जन बनाया। और अब ये पत्थर धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा, बो एंड एरो में इसी पे लकड़ी बांध करके ये एरो बन गया। तो अब ये साइज में इनसे बहुत छोटे होते हैं, और ये साइज में काफी बड़े होते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे साइज कम होते रहा, साइज़ कम होते रहा। तो अब इमेजिन कीजिए कि वही इंसान जो पहले इतने बड़े पत्थरों को मार करके हंट करता था, वो अब इन टूल्स का यूज़ करेगा। तो इसलिए इन्हें रिफरेंस टर्म्स में माइक्रोलिथिक बोला गया। माइक्रो मतलब छोटे, लिथिक मतलब आपको पता ही। और इससे रिलेटेड टू साइट्स जहाँ से हमें रिमेन्स मिलते हैं टूल्स के, इनमें बहुत फेमस जगह है भीमबेटका, आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। और एक आदमगढ़ नाम की जगह है जो कि एमपी में है, भीमबेटका भी एमपी पे है। और ये आदमगढ़ इसलिए फेमस है क्योंकि अर्लीस्ट एविडेंस देता है डोमेस्टिकेशन का। बाकी और बहुत सारी साइट हैं पर जो फेमस है मैंने आपको दो बता दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यूलिथिक साइट्स में,
न्यूलिथिक साइट्स और इवॉल्व माना जाएगा, और इसी न्यूलिथिक साइट को हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज, अब इसे न्यू बोलेंगे तो मिडिल वाले को, मिस वाले को मिडिल स्टोन एज बोलेंगे और पहले वाले को ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे। आई होप आप इतना लॉजिक लगा सकते हो। इसकी डिस्कवरी जिसने की थी वो प्रिमोर्स करके नाम का व्यक्ति था, प्रिमोर्स। डिस्कवरी से मतलब इस समय के जो सबसे पहले रिमेनिंग रिमेन्स के खोज किए गए, जो सबसे पहले आर्टिफैक्ट इस समय के मिले हैं वो प्रिमोर्स ने ढूंढे। इसे ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें फर्स्ट टाइम पे हुई। इसी समय इंसान ना फूड प्रोड्यूसर बन गया, वो पहले फूड गैदरर था। फूड गैदरर मतलब जो खाना इकट्ठा करता, जो जानवर मार देने इकट्ठा कर लिया, फल फूट इकट्ठा कर लिए, अब आदमी बन जाएगा फूड प्रोड्यूसर, वो खुद फल फूट उगाने लग जाएगा। अभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय की एज में फूड प्रोड्यूसर होना मतलब काफ़ी कुछ एवोल्यूशन की ओर लेके जाएगा। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया आपको, कॉलोनाइजेशन होगा, सेटलमेंट होगा, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, क्योंकि आदमी को एक टेरिस खत्म होगी जो है खाना। फायर का यूज स्टार्ट होता है, ये फूड प्रोड्यूस बना ही इसलिए क्योंकि फायर का यूज स्टार्ट होता है, फायर डिस्कवर। अभी फूड प्रोड्यूसर बनेगा तो जो क्रॉप करता था उनके नाम ये बारले, वीट, राइस वो करता, उनको प्रोड्यूस करता था। इससे रिलेटेड साइट जो हमें मिलती है वो एक फेमस जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक फेमस जगह है जो कि पाकिस्तान में है। बाकी दूसरी फेमस जगह है एक चिरांद नाम की जगह, चिरांद ये बिहार में, और एक जगह और है जो उसका नाम है मास्की। अब ये आप हिस्ट्री में बहुत फेमस जगह है मास्की, आपको पता होना चाहिए। ये सब न्यूलिथिक साइट्स है, और एक बहुत फेमस साइट है जो आपके अक्सर एग्ज़ाम में आती है, बुर्ज़ोम। बुर्ज़ोम भी आपको पता होना चाहिए कश्मीर में। अब बुर्ज़ोम में ऑलमोस्ट इसके बाद की तीनों साइट्स मिल जाएंगी, मतलब पुरजोम में पहली साइड न्यूलिथिक मिलती है, उसके दूसरे बाद जो चालकोलिथिक वाली की जो वो भी मिलती है, और उसके बाद वाली आयरन एज भी मिलती है। तो एक जो ये पुरजोम वाला प्लेस था ये काफ़ी स्टेबल रहा ये पूरा एरिया था। और जो मेहरगढ़ है इसे ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं। अगर ये आप पाकिस्तान का मैप देखोगे तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसे बलूचिस्तान कहते हैं, और यहाँ पर मेहरगढ़ है, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं चालकोलिथिक। चालकोलिथिक क्यों फेमस, ऐसा क्या है चालकोलिथिक जो हमें पढ़ना चाहिए। बेसिकली इसमें इसको हम मेटलाइज बोलते हैं। मेटलाइज में पहली बार आदमी ने मेटल स्टार्ट किया, यूज़ करना स्टार्ट किया, उसे मेटल के बारे में पता चला। एज का टाइम पीरियड क्या है, 3500 से 1000 था, ये सब BCE में बातें चल रही, तो इसलिए टाइम कम होता रहेगा, 3500 से 2500 से 2500 से 1000। इसी इसको हम मोस्ट प्रोबेबली हर एक बुक में पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन या हड़प्पा। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये हड़प्पा है, इसके बाद वाली जो साइट है वो प्री हड़प्पन साइट, सॉरी इससे पहले वाली साइट जो प्री हड़प्पन साइट, और इसके बाद वाली साइड है पोस्ट हड़प्पन साइट। और ये कॉमन टर्म यूज होती है हिस्ट्री में प्री एंड पोस्ट, जैसे प्री मॉडर्न एज, प्री मॉडर्न एरा, पोस्ट मॉडर्न एरा, प्री गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि कोई भी एक पीरियड है मेन, जैसे इसमें हड़प्पा है उसके प्री, हड़प्पा से पहले वाली जो एरा चल रहा है उसे प्री हड़प्पन, उसके बाद वाली एरा को पोस्ट हड़प्पन कहेंगे। तो इनका टाइम पीरियड है, तो आपको बेसिकली ये रखना कि जो हड़प्पन है जो अराउंड 2500 बनी हुई है, और ये 1000 है, और ये 3500। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो टाइम पीरियड है ऐसे चलता है,
इसी को बाद में वैदिक कल्चर, ऋग्वैदिक एज, लेटर वैदिक एज ऐसे भी डिफाइन करोगे पोस्ट हरप्पन को। इसमें क्या हुआ, इसमें स्टोन के साथ साथ कॉपर यूज होना शुरू हुआ। कॉपर मिलता का था, कॉपर मोस्ट प्रोबेबली खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, वहाँ मिलता था। और जो अभी आपको पता चलेगा क्योंकि कॉपर से रिलेटेड साइट्स, तो इनकी साइट्स भी मैक्सिमम उसी नॉर्दर्न बेल्ट के राजस्थान वाले बेल्ट में मिलती है। तो इसकी पहली साइट है अहर, इसको बनास साइट भी कहते हैं, ये जाहिर सी बात है राजस्थान में। इसके बाद एक साइट है कयाथा जो कि चंबल में और काफ़ी फेमस साइट है। तो इससे हमें ये पता था कि ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ बहुत पहले से इंसान है। अब चूँकि हम स्टोन एज में आ चुके हैं, आदमी स्टोन सॉरी मेटल एज में आ चुके हैं, आदमी मेटल को यूज करेंगे तो आदमी के पास अपनी कम्युनिटी लाइफ होगी। कम्युनिटी लाइफ मतलब इससे पहले आदमी एक वॉन्डरर था जो शिकार करता, खाता, फिर अगले दिन किसी दूसरी जगह जाता, फिर वहाँ से कर करेगा, फिर खाएगा, रात बिताएगा, फिर अगली जगह। पर इसके बाद एक कम्युनिटी लाइफ बन जाएगी। कम्युनिटी लाइफ मतलब आदमी को क्रॉप ग्रो करनी होती, तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ रिक्वायर होते हैं, और कुछ कुछ क्रॉप्स 3 साल तक भी आती है। और 3 मंथ किसी एक प्लेस पर रहना पड़ेगा, फिर ये 3 महीने किसी एक जगह पर रहना पड़ेगा, तो वो डोमेस्टिकेशन करेगा। मतलब अब वो अपने जानवर ही पालेगा, जानवर में जाहिर सी बात है दूध के लिए गाय, उस समय निगरानी के लिए डॉग, ये सब उसने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके वो अदर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स भी कल्टिवेट करेगा, जिनमें बाजरा आता है, मटर आता है, और वीट और बार्ले और राइस में आपको बता ही चुका हूँ। अब जो इसके बाद ली जाती है उसे हम आयरन एज कहते हैं, और आयरन एज 1000 से 500 BC तक। BC का अगर आपको पता पता नहीं तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है, और कोई कोई BCE भी लिखते हैं। तो आयरन एज का मतलब क्या, आयरन की मतलब इस आयरन एज से पहले कोई आयरन यूज़ नहीं होता था, इससे पहले कोई आयरन यूज़ नहीं होता था, और इसके बाद से आयरन एज शुरू हुई। तो आयरन एज मतलब 1000 BC के आसपास आयरन का यूज़। अब मैं आपको फिर कल बता रहा हूँ, ये एक एस्टिमेटेड टाइम लाइन होती है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमको ये नहीं पता कि कौन से साल में खोज की गई या कौन से दिन इसकी खोज की गई, एक्सैक्ट पता बना मुश्किल है। तो इसलिए हम एक सेंचुरी का टाइम पीरियड लेते हैं, सेंचुरी मतलब 100 सालों का टाइम पीरियड लेते हैं, कि 100 साल में इसके आसपास आयरन की खोज होगी। इस आयरन ने पूरी काया पलट दी ह्यूमन एवोल्यूशन की। अगर आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स वॉर की, तो उसमें एक वाइब्रेंट करके मटेरियल है, जैसे वो वाइब्रेंट मटेरियल पूरी वकांडा की चेंज कर देता है सूरत, वैसे आयरन एज रियली में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की काया पलट करने वाली है। इसके बाद से कोई भी स्टोन्स मैक्स प्रोबेबली यूज़ नहीं होगा। जो भी मेटल्स यूज होंगे उनमें मेन आयरन होता है, और इसके अलॉयज जो अलग होते हैं वही यूज़ होते थे। और इसी के चलते आदमी अब जंगल काटना शुरू कर देगा, फॉरेस्ट कट करना शुरू कर देगा। तो वो एंटर करेगा गंगा के एलिवियल लैंड में, क्योंकि गंगा वाला जो एरिया है वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले कोई भी एक साइट ऐसी नहीं है जिसमें नॉर्थन प्लेन, जिसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसका मेंशन, क्योंकि इसमें बहुत ही वास्ट लेवल पर और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करता किसी समय में, तो क्योंकि बहुत एलिवियल फील्ड है। तो अब ये फॉरेस्ट करके गंगा के एलिवियल कल्चर्स में आएगा, और इसी समय से स्टार्ट होता है मेगालिथिक बरियल्स। मेगालिथिक, फिर से अगर आपको टर्म एक्सप्लेन करूँगा, मेगा मतलब बहुत बड़ी, लिथिक मतलब स्टोन, बहुत बड़े पत्थर वाले स्टोन्स। इसमें क्या, इनको बेसिकली बरियल्स बोले जाते हैं। बरियल्स मतलब हमें ह्यूमन रिमेंस मिलते हैं, और इन ह्यूमन रिमेंस में हमें पत्थर देने को मिलते हैं इनके चारों ओर, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, जिससे समझ लीजिए आप
कि कोई इंसान की बॉडी है, तो इसके बड़े बड़े पत्थर इसके चारों ओर मिलेंगे, इसके ऊपर भी एक बड़ा पत्थर होगा, और इसे बोल रहा था मेगालिथिक बरियल्स। तो आप हिस्ट्री पढ़ने का एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव पॉइंट ये कि आप काफ़ी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, आपको सिर्फ टर्म के एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। आई रेंज को हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम इसे वैदिक एज कहते हैं। तो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी अच्छा था। और हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं वो मैप के अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए। तो मैं आपको मैप से बता देना चाहता हूँ कि कौन सी सिटी, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ये भारत है, मैं ऐसा ना दिखा करके इस समय का जो भारत है मैं वैसे दिखाऊंगा। इस समय के भारत में कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई आपको टोकेगा नहीं। ये मैंने जो दिखाया था ये हिमालयन रेंज है। तो अब हिमालयन रेंज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आती है जो वो भूजोम आती है, मतलब कश्मीर में भूजोम आएगा। जो बहुत फेमस साइड है अदर दिन दिस एक चिरान जो है जो बिहार में आती है, और उसी के नीचे थोड़ी वेस्ट साइड में यहाँ पर आ जाता है भीमबेटका। भीमबेटका यहाँ पर आता है एमपी में। और एक ये साइड आती है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, पर चूँकि पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और एक मैंने आपको कहा था भाई फेमस जगह है मास्की, अब आपको वो सर्च करना पड़ेगा मास्की कहाँ है, मैं उसे नहीं बताऊँगा। और आपको एक फेमस जगह बताता हूँ पयमपल्ली, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया, पयमपल्ली जो साउथ में है। ये प्लेसेस मैप में पॉइंट आउट करने आने चाहिए आपको। बाकी आपको रिवर्स का आई होप पता हो कि ये नर्मदा रिवर यहाँ पर से बहेगी भीमगेट के नीचे से, और चिरान जो वैली होगी वो होगी ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड उसके गोमती के ऊपर बिहार में। मिर्जापुर बेलन वैली आपको पता ही होगा, यहाँ पर बेलन वैली होगी। और जो भीमबेटका एक काफ़ी फेमस जगह है, तो मैं थोड़ा डिटेल दे दूँ आपको, जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी उसका नाम था V.S. वाकनाकर। तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको हेल्प करेगी एग्जाम्स में। और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है MP के। आपको बुर्जों में ने बता दिया, यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिलता है, और ह्यूमन प्लस, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर डॉग का स्केलेटन मिलता है प्लस ह्यूमन के साथ। और पिट ड्वेलिंग होता है कि आदमी, ये जमीन है, जमीन में होल बना के इनमें कुछ टाइम रहता था, मतलब सेफ्टी के लिए जमीन में होल बना कर, इसे पिट ड्वेलिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे और हड़प्पा सिविलाइजेशन पे।